सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि सैमसंग के मिड रेंज वर्सेस काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो बात हो ए सीरीज की या फिर एम सीरीज की। तो ये जो सभी स्मार्टफोन्स है वो आपको काफी बेहतरीन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब जो है इस सीरीज के काफी स्मार्टफोन जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी एफ सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। तो ये जो स्मार्टफोन है आपको F22 का एक सक्सेसर मॉडल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ए सीरीज और एम सीरीज के काफी स्मार्टफोन जो है लॉन्च होने जा रहे हैं, तो वो वीडियो जाकर आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एफ सीरीज का भी एक काफी बेहतरीन स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है, अगर आपने प्लान किया एक बजट कैटेगरी का 5G स्मार्टफोन बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो ये जो स्मार्टफोन है ऑफिशियली गीक बेंच पर सपोर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 90Hz का पैनल देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन का डिजाइन, तो फ्रंट साइड में आपको एक पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा और एक बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी के रिगार्डिंग एक काफी बेहतरीन हमें स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 90Hz का पैनल देखने को मिलेगा, जो कि आपको काफी एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको काफी शार्प देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहां पर आपको कलर्स कोऑर्डिनेशन काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 750G, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है, और यहां पर आपको 6GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको काफी बेहतरीन हमें स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 750G आपको काफी डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है, जहां पर इसकी जो गेमिंग है वो आपको काफी बेहतरीन हमें देखने को मिल जाती है। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन कैमरा वो है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और एक 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको फुल HD 30fps की देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और इसकी भी आपको वीडियो रेजोल्यूशन फुल HD 30fps देखने को मिलेगी। तो कैमरा वाइज आपको काफी एक डिसेंट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, बट इसका जो प्रोसेसर है उसकी जो प्रोसेसिंग है इमेज क्वालिटी की वो काफी बेहतरीन है, इसी कारण ही इसमें आपको 48 मेगापिक्सल में काफी अच्छी शॉट्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6000mAh की लार्ज बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 15W चार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगी। तो बैटरी वाइज काफी एक बेहतरीन हमें स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, बट चार्जिंग इसकी जो है थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। सो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि हमें इस स्मार्टफोन की देखने को मिल जाते। इस बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के प्राइस और इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, तो ये जो स्मार्टफोन आपको मार्च के मध्य में देखने को मिल सकता है। प्राइस की अगर हम बात करें, और ये जो स्मार्टफोन आपको 17,000 का हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या इस डिवाइस के लिए आपको वेट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको काफी एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इसी ही रेंज में आपको काफी एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं सैमसंग की तरफ से, जो कि आपको एक M33 देखने को मिलेगा। तो ये जो दोनों स्मार्टफोन आपको बिल्कुल ही सिमिलर रेंज में देखने को मिलेंगे, और ये जो दोनों स्मार्टफोन वो एक अपकमिंग डिवाइस है, तो आपको डेफिनेटली एक स्मार्टफोन के लिए जरूर वेट करना चाहिए। तो अगर आपने प्लान किया एक बजट कैटेगरी में 5G स्मार्टफोन बाय करने का, तो आपको जरूर से वेट करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।